कैसे पढ़ूं कैसे लिखूं कैसे पढ़ूं किताब कहानी कैसे लिखूं मन की बात जमा गुणा घटा सीख कर कैसे चलूं जग के साथ कैसे जागी है अब आस पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास मन में है विश्वास सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम तो याद होगा आपको, मैं हूं आपकी साथी शारदा, आपसे बातें करूंगी। हम मिलकर कुछ पढ़ेंगे, लिखेंगे, कुछ देखेंगे, कुछ बूझेंगे और कुछ पूछेंगे भी। साथियों, कॉपी, पेंसिल, तख्ती, स्लेट, कलम, खड़िया, जो आपके पास हो उसे अपने पास जरूर रख लीजिए। अब हम लिखेंगे सबसे पहले अपना नाम, फिर पता और अपने घर का नंबर। नाम सपना, पता बेर सराय, गली नंबर 4 और घर का नंबर 4। आप भी कोशिश कीजिए। साथियों, आज हमने चुने हैं 3 अक्षर न, प और स। न, प और स। जब भी साइकिल की घंटी सुनाई दे, समझिए आ गई घुमंतु चाची सैर सपाटा करके बड़ा सा थैला लटकाए। इनका थैला है यह भानुमती का पिटारा। मेरा भी नमस्कार। अच्छा, मैं समझ गई। आज के अक्षर हैं न, प, स। तो चलिए बाजार ढूंढे आसपास। वाह, आ गए बाजार। ढूंढो, खोजो, कहां कहां है न? हाँ, दुकान में है न। कहाँ है प? पंचायत घर में है प। और सब्जी के ठेले में छुपा है स। जल्दी से खरीद लेते हैं कुछ सब्जियां। मैंने लिया पालक, सरसों का साग, और पास की दुकान से खरीद लेते हैं नमक। बनेगा साग मजेदार। तैयार है ना कॉपी पेंसिल?
ना लिखना है आसान। नल जैसा आकार बनाएं, फिर लगाएं रेखा एक, ऊपर खींचे शिरो रेखा, न बन गया सुंदर देख। आधा गोला पहले खींचो, फिर सीधी रेखा से जोड़ो, शिरो रेखा ऊपर बनाएं, प का फिर आकार हम पाएं। पहले लिखे अंक दो, फिर उसमें एक पूंछ बनाएं, इसको जोड़ो खड़ी रेखा से, ऊपर फिर एक रेखा बनाएं, बन गया सा। अब हम ना से कुछ और शब्द बनाएं, कैसा रहेगा ये खेल? मैं भी सोचती हूँ और आप भी सोचिए। नदी, अच्छा आपके गांव के पास नदी है ना, बहुत बढ़िया। नदी। नगर, वाह एक और नया शब्द। नगर, हमने पिछले कार्यक्रम में सीखा था अ और आ और आ की मात्रा, यानी कि न में आ की मात्रा लगाई तो बन गया ना। हाँ तो नदी है तो नाव तो होगी, नाव। ना, नाला, नारियल, नाखून। मैं प, मुझे भी लिखो। पा से पत्ता, पा से तो पपीता भी पीला पीला। मुझे भी तो लगाओ तो बनेगा पा। पा पानी, पा पायल, पा पालना। कब आएगी स की बारी? लो आ गई, सब्र करो। स समोसा, आहा चटपटा। स सड़क, लंबी सड़क। स सब्जी, हरी ताजी। सा साइकिल। सा साथ। सा साड़ी। चित्र से अनुमान लगाकर इन्हें बार बार पढ़ने की कोशिश करें। सड़क, साथ, साइकिल, साड़ी। समोसा, पालना, पानी, पपीता, पायल, पत्ता, नाला, नल, नाखून, नारियल, नाव। मैं जरा पास के गांव में गई थी, वहां से पापड़ लाई हूँ सबके लिए। नानी और सपना ने मिलकर आज बनाए पापड़। उन्हें सूखता देखा तो सब बच्चे आए धड़ धड़।
नानी बोली, पहले गिन लो, पाँच पाँच के ढेर बना लो। एक, दो, तीन, चार, पाँच। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। ढेरियां बन गई 10। इनको इन डब्बों में भर दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, पर डिब्बे तो हैं केवल 9। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, बाकी तो हम मिलकर खा लेंगे। झटपट क्लिक क्लिक। मैं भी लिखती हूँ, आप भी लिखें और खोजें। प कहाँ है? हाँ, बिल्कुल सही। सपना, पापड़, पा कहाँ है? हाँ, बिल्कुल ठीक। पापड़, स कहाँ है? ये भी ठीक है। सपना, सड़क। सा से बना सारे। वाह, सारे। ना से बना नमक। ये तो सबकी रसोई में होता है, नमक। ना से बना नाव। नदी में नाव चली, नाव। आप इस तालिका को आगे बढ़ाएं, नए नए शब्द सोचिए, हमें भी बताइए। नए शब्दों का खेल आपस में मिलकर खेलिए। सारे, साबुन, नमक, नगाड़ा, नाव, नाना, सपना, पलंग, पापड़, पापा, सड़क, समझ। और हाँ, एक पहेली तो बूझिए। दिए गए शब्दों में एक शब्द ऐसा है जिसमें स, प और ना तीनों ही हैं। झटपट बूझिए। हाँ, सपना। आज हमने सीखे 3 नए अक्षर और उनमें लगाई आ की मात्रा। न, ना, प, पा, स, सा, और बनाए बहुत सारे शब्द। हमने गिने 9 अंक और हमने इनको लिखा भी। अपने आसपास खोजिए प, न और स, अ और आ, ये कहां कहां छुपे हुए हैं? कहीं आले अलमारी में तो नहीं? कहीं नदी, नाले और नाव में तो नहीं? और कहीं पेड़ के पत्ते, पालक में तो नहीं? समोसे और साग में तो जरूर ही मिलेंगे। आप भी नए शब्द बनाइए, खोजिए। कल फिर मिलेंगे नए अक्षरों, नए शब्दों, नई कहानी के साथ। अपनी कहेंगे, आपकी सुनेंगे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार।